ये जो चाव 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 है लास्ट में तीन बार, तो ये हमारा ई नोट पे प्ले होगा, चाव चाव चाव। तो आज हम सीखने जा रहे हैं आपकी जबरदस्त रिक्वेस्ट पर बेला चाओ। पूरी दुनिया में धूम मचा रही है इसके सीजन ने, बेला चाओ भी बहुत ही फेमस हो चुका है और इसका जो करंट सीजन है उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि तभी तो आप लोगों की धड़ाधड़ से बेला चाओ की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई है। तो चलिए सीख लिया जाए इस इंटरनेशनल वायरल सॉन्ग को बहुत ही आसान तरीके से, सीखो सरल के सबसे सरल अंदाज में। नमस्कार, मैं हूँ संजय और आप देख रहे हैं सीखो सरल। तो ये पॉपुलर सॉन्ग हम सीखने वाले हैं मिडिल ऑक्टेव के ई नोट से। स्टार्टिंग में जो म्यूजिक प्ले होता है वो हम सीखेंगे मिडिल ऑक्टेव के ए नोट से, मगर जो गाना स्टार्ट होगा वो हम सीखेंगे मिडिल ऑक्टेव के ई नोट से। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्टिंग में जो म्यूजिक प्ले होता है उसको सीखते हैं। म्यूजिक किस तरह से, पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ बताता चलूंगा। देखिए पहले म्यूजिक, इस तरह से म्यूजिक प्ले होता है। अब इसको धीरे धीरे आराम से समझिए। सबसे पहले पहले इतना देखिए, क्या किया, ए जी शार्प एफ ई, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बाद कहां से शुरू करेंगे, डी नोट हायर ऑक्टेव से, क्या किया, डी सी बी ए, डी सी बी ए, क्लियर। और इसके बाद जो लाइन है वो है, ये लाइन, तो ये वाली लाइन जो है लंबी जरूर है मगर मुश्किल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको हम दो भागों में सीखेंगे और पहला जो भाग है वो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। देखिए इस लाइन को दो भागों में देखिए, पहला भाग तो आपके समझ में आ गया होगा, ये ट्यून सुनी सुनी है क्योंकि ये आप सीख चुके हैं। देखिए इतना पार्ट आप सीख चुके हैं, ए जी शार्प एफ और ई, ठीक। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है वो आपको सीखना है और वो बहुत इजी है क्योंकि कंटिन्यू हमें चलना है। देखिए क्या करना है, कहां से शुरू करा, एफ नोट से, एफ जी शार्प ए बी, फिर डी, सी नहीं लगाना, सीधा डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, फिर जी शार्प, फिर वापस ए। तो फिर से देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ये चीज, ठीक। इसके बाद तुरंत बिना किसी गैप के, बिल्कुल रुकना नहीं है, तुरंत हमें क्या प्ले करना है, ये चीज, ठीक। आप कंटिन्यू देखिए बिना रुके, दोनों पार्टों के बीच में कोई गैप नहीं होगा। देखिए सिंगल फिंगर से देखिए, पहले ठीक इस तरह से। चलिए अब बढ़ते हैं गाने की तरफ। गाने की जो पहली लाइन है वो है, हुना मतीना मे सोनम सातो, आप लोग मेरी बेसुरी आवाज पे मत जाइएगा, आप लोग को सिखाने के लिए मुझे उच्चारण करना पड़ रहा है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलिए अब आराम आराम से समझते हैं। पहली लाइन है उन्ना मतीना और जो दूसरी लाइन है वो है मे सोनल सातो, दोनों सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। चलिए पहली लाइन को समझिए आराम आराम से, ई नोट से स्टार्ट करेंगे, उन ना, अब मा ती ना, मा ती ना, ठीक, उन ना मा ती ना, ठीक। इसके बाद मी सोनल सातो, ये भी सेम है, सही है,
कुछ भी अंतर नहीं है। एक लाइन सीखिए और दूसरी रिपीट कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे प्ले करेंगे इस लाइन को? बहुत सिंपल है, रिपीट। क्लियर हो गई पहली लाइन, आप सेकंड लाइन पे चलते हैं। दूसरी लाइन है, ओ बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ, बड़े मजे की लाइन है। देखिए, ठीक, ई नोट से ही वहीं से शुरू करेंगे। देखिए, ओ बेला चाओ, ओ बेला चाओ, ठीक। इसके बाद फिर से बेला चाओ, ठीक। इसके बाद फिर से बेला चाओ। अब चाओ कहां पर आएगा? ई नोट पर, ठीक। इसके बाद फिर से चाओ, फिर से चाओ, यानी कि तीन बार चाओ है लास्ट में और तीनों बार ई नोट प्ले होगा। चाओ चाओ चाओ, ठीक। फिर से देखिए, ओ बेला चाओ, फिर से बेला चाओ, अब फिर से बेला। अब तीन बार जो चाओ है वो ई पर आएगा, ठीक। कंटिन्यू देखिए सिंगल फिंगर से, ठीक। क्लियर हो गया? देखिए एक बार और प्ले करके भी दिखा दूं, ठीक। अब इसके बाद लाइन है, उना मतीना मी सोनल सातो, सेम वही लाइन जो हमने स्टार्टिंग में सीखी थी, मगर सिर्फ लाइन के बोल सेम है, ठीक। लिरिक्स सेम है मगर जो ऑक्टेव है वो भी चेंज और जो नोट्स हैं वो भी चेंज, ठीक है। क्योंकि इस लाइन की जो धुन है वो चेंज कर दी गई है, तो इसलिए हमारे जो नोट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे और ऊपर से ऑक्टेव भी चेंज हो गया है। इस लाइन को थोड़ा ऊंचे स्वर में गाया है तो ऑक्टेव भी चेंज हो गया है, ठीक है। धुन चेंज है तो नोट्स भी चेंज हो गए हैं। तो कुल मिला के सिर्फ लिरिक्स सेम है मगर बजेगा बिल्कुल अलग, ठीक है। तो कहाँ से बजेगा? हायर ऑक्टेव के ई नोट से, यहां से इसको हम प्ले करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऊना मतीना, ठीक, बहुत सिंपल है। ऊ ना मतीना, ठीक, क्लियर। इसके बाद मी सोनल सातो, ये देखिए ये भी सिंपल है, मी सो अल सातो, ठीक, क्लियर। पूरी लाइन को देखिए सिंगल फिंगर से, ठीक, क्लियर हो गई। और इसके बाद लाइन है, ए ओत्र वातो लीन बासर, ठीक है। इसको कैसे प्ले करेंगे? ठीक, तो ये हमने कहां से प्ले करनी है? ये भी हमने हायर ऑक्टेव के ई नोट से प्ले करनी है। देखिए देखिए, ए हो अब त्रवातो, त्रो वा तो, ई पर आ जाएगा, तो त्रवातो, अब लीन वा सोर, इसको देखिए लीन वा सोर, ठीक। कंटिन्यू देखिए, ए ओ त्रवातो लीन वा सोर, ठीक। कॉर्ड कौन सा है? ए माइनर, ए सी ई, ठीक। तो जहां से स्टार्ट किया था ए नोट से, वहीं आके खत्म हो गया ए नोट पर, ठीक। वही कॉर्ड स्टार्टिंग में और वही कॉर्ड एंडिंग में। अब इसके बाद जो पार्ट है वो सेम टू सेम वही पार्ट है जो अभी तक हमने सीखा है, बस लिरिक्स चेंज है, जो लाइनों को बोल है वो चेंज है, मगर पूरा का पूरा वही है, पूरा का पूरा वही है, कुछ भी अंतर नहीं है, कहीं भी कुछ भी अंतर नहीं है। बस लास्ट की जो लाइन है उसमें बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो सबसे पहली लाइन है, ओ पात्री जानो पौत्री मा विया, देखिए सेम वही लाइन है जो पहले हमने प्ले करी थी ऊना मतीना, सेम वही है, देखिए सेम वही है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद जो लाइन है वो तो वही की वही उठा के रख दी है, उसके बोल भी सेम है, ओ बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ, ये तो सेम ही है, ठीक, इसमें तो कुछ भी अंतर नहीं है। अब इसके बाद जो लाइन है वो है, ओ पात्री जानो पौत्री मा विया, तो ये वही है जो हमने हायर ऑक्टेव की नोट से स्टार्ट करी थी, देखिए सेम वही लाइन है, ठीक। और इसके बाद जो लाइन है इसमें अंतर है, लाइन है के मी सेंतो दी मोरी, देखिए
देखिए इस पैराग्राफ की जो आखिरी लाइन थी उसमें अंतर क्या था, बहुत छोटा सा ये बता देता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ की जो हमने आखिरी लाइन प्ले करी थी, चौथी लाइन, ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने जो स्टार्ट करी थी लाइन वो करी थी ई नोट से, ठीक। मगर इस बार हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस बार हम डी से कर रहे हैं, ये अंतर हो गया। देखें केमी सेंतो दी मोरीर, बस इतना सा अंतर है, ठीक। ये हमने एंड करी, ये हमने स्टार्ट करी डी नोट से और वो हमने स्टार्ट करी थी ई नोट से, ठीक, बाकी कोई अंतर नहीं है। और बस इसके बाद वही म्यूजिक, वही इंस्ट्रूमेंट जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था, ठीक।